immediate thoughts after the game into the Capitals? It was a great match, actually. It's a close match. So it's a minute mirror in the defense. Because of that reason, we lost the match. Otherwise, it was a neck-to-neck match. The starting minute 1 to 48th minute, it was a close match, neck-to-neck match. The way they played, our bias, because I told you before, out of 18, our bias is 10 new young players, they are playing pro kabaddi first 10. Compared to other teams, who are new. So lack of experience, sometimes they need to adjust the moments. So because of that reason, we lost the match. Pawan, koi aisi jagah thi jo aap jo young players unko bata sakte the ki ye mat karo, ye jo bhi galti hui hai jahan pe aap unko thoda better advice kar sakte the? Bhai, काफी क्लोज मैच था, मिस्टेक तो होती रहती हैं, बताने का तो मिस्टेक तो वही चलती रहती हैं, बताने को तो बताते रहे थे कि टाइम आउट नहीं बताया था प्लेयर, लेकिन क्या है कि ज़्यादा बर्डन में है ना, प्लेयर भी प्रेशर मान जाते हैं, मैं खुद भी प्रेशर में आ जाता हूँ, तो थोड़ा सा ये है, नहीं तो काफ़ी नेक टू नेक लगभग काफ़ी 30 मिनट तक हमारी लीड थी, क्लोज था, मतलब कभी एक पॉइंट उनकी लीड है, कभी हमारी लीड है, वो फर्स्ट मिनट भी जो हमें हुई वो भी बाई मिस्टेक ही थी, अदरवाइज डिफेंस काफ़ी आज खेला है, मतलब उम्मीद जितनी थी हम उतना अच्छा खेला है, वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, बताते तो है रहते हैं बीच बीच में, चलते रहते हैं। Sir, areas of improvement going ahead into the season? Definitely, we need to improve certain things because we need a good riding set actually. Because once Pawan is working out, it's a very good thing. Otherwise, if Pawan is not working, who is the next rider? That is a big thing. And second thing is the defense in the crucial situation, they have to control their emotions. Then only they will win the match. That is the main reason we are losing the matches. आपसे सवाल है, आपने अभी एक बात कही कि आपके भी प्रेशर बन जाता है, आप थोड़ा इन दिन बता सकते कि प्रेशर क्यों बन रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आप इस टीम के कप्तान हैं और साथ ही साथ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है काफी। प्रेशर यही है कि मैं थोड़ा ओवर थिंकिंग हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अजिंक्य के साथ, महेंद्र के साथ खेला हूँ, पूरा कैंप मैंने 45-60 डेज का राउंड मैंने उनके साथ किया है, तो वो जहाँ पे मैं टैकल करता हूँ, मैं हेल्पर, पिछले मैच में मैं साइड भी नहीं खेला था, मैं जानबूझ के टाइप की थी, उससे पिछले मैच में तो बिल्कुल ही डिफेंस नहीं किया था, तो इस मैच में मैं ये था कि वो हेल्पर की खाते हैं, जितना जी के और दिन स्कोर करता है, नरेंद्र और दिन स्कोर करता है या बोनस करता है, उस हिसाब से उन्होंने बोनस नहीं किए, और मैं अटैकिंग भी इसलिए था कि मैं हेल्पर भी रहूँ, डाई मारूँगा एक दो या इधर से करूँगा, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन पर एक डाई लग गई कि जहाँ पे अगर ना भी लगती तो मैच नेक टू नेक चला हुआ था, तो वो मैच थोड़ा आपको हमने देखा था कहीं थोड़ी देर छोटी लेते, अभी आप ठीक हैं, जो रिएक्शन आया था आपके चेहरे पे वो क्या, वो मतलब जब मैं जंप ले रहा था ना, वो जो ईरानी प्लेयर था वो अपनी, मैं उसकी भी मिस्टेक नहीं मानता, मैं ठीक हूँ, कोई ऐसा है नहीं, वो एक टाइम पे पंच तो पेट में मारते वो बात थी, अदरवाइज वो ईरानी था, वो जिस मैंने जंप लिया धक्का मारा वो गिर गया, वो अपनी सेफ्टी के लिए उसने पैर ऊपर कर लिया, जब पैर ऊपर किया तो उसका नी डायरेक्ट पेट में लगा, तो मैं उसकी भी मिस्टेक नहीं बोलता कि उसने जानबूझ के मारा, वो अपनी सेफ्टी कर रहा था, तो डायरेक्ट पेट में लग गया, वो डिसीजन मेरा गलत था जंप का। और एक आखिरी सवाल, अगला मुकाबला 16 तारीख को दिल्ली के खिलाफ खेल रहे हैं, वहाँ पे भी नवीन एक्सप्रेस है, वहाँ पे भी काफी यंग प्लेयर्स हैं उनकी टीम में, बैटल ऑफ यंगस्टर्स कह सकते हैं और बैटल ऑफ टू सीनियर प्लेयर्स, यहाँ पे नवीन और आप भी, यहाँ पे भी यंगस्टर तो थे ही, महेंद्र टंडोला है, जितिन या नितिन प्लेयर भी उनकी भी यंगस्टर हैं, लेकिन मैच सेट होने के ऊपर है, सेट देखा जाए ओवर वोल्डेज की यंगस्टर है, एक मनिंदर को छोड़ के उसके में सारे यंगस्टर हैं, सेट होने के ऊपर, अगर वो सेट हो जाती है टीम तो ईजी हो जाता है, इस मैच में मैं बोलता हूँ कि टीम सेट थी, काफ़ी हद तक रेडिंग में 4-5 के डिफेंस में मैंने भी स्कोर तोड़े हैं, इधर से 6-7 की बात की जाए तो मोबिन ने भी काफ़ी सपोर्ट रोल दिया है, और इतना रोल बहुत होता है, तो ऐसा कहीं भी नहीं था कि सेट होंगे तो दिल्ली से भी ठीक है। हेलो हेलो कोच, मेरा क्वेश्चन ये कोच था कि आज डिफेंस, जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा लैग कर रहा था पिछले मैचों में जब हम मिले थे तो डिफेंस का थोड़ा सा दिक्कत आया था, बट आज डिफेंस पर टैकल सक्सेस रेट 30-40 के आसपास है, तो मतलब बेटर हुआ है जैसे आपने कहा, बट आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट मैच जो है पुणे में, अब
The only thing we have to do this, हमारा जो खिलाड़ियों का है ना हौसला बढ़ाना है, क्योंकि यंग प्लेयर है, उनको सेटल होने के लिए टाइम देना पड़ेगा. क्या होता है ना, एकदम से गलती सुधारते नहीं, जब तक ये लाइटिंग, ये फोकस, ये साउंड, ये गैलरी को एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है. बिकॉज जस्ट नाउ वी प्लेड ओनली फोर मैचेस, इन द फोर मैचेस द यंग बॉयज प्लेड ओनली टू मैचेस. एटलीस्ट उनको तो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत एडजस्ट होने के लिए, प्रेशर हैंडल करने के लिए. इट्स ऑल ब्रोक अप, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर गेम्स, दैट इज द ओनली थिंग. थैंक यू सर. हाय पवन, आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप मार्क माय वर्ड्स, कम बैक होगा हमारा. आज बहुत ही क्लोज मुकाबला था, रॉबर और संजीवी बहुत अच्छे बेंच था, आपके सॉर्ट ऑफ ऑप्शन दिए थे. आज आपको लग रहा है ये ऑलमोस्ट है कि थोड़ा सा मतलब 19-20 का फर्क है टू टर्न इनटू अ विनिंग टीम. तो कम बैक बोल रहा था, कम बैक तो वही जीत के साथ होता है, लेकिन क्लोज मैच था जो प्रैक्टिस में संजीवी ने काम करके दिखाया था. ऐसा नहीं था कि हम संजीव को ऐसे ही कोच चेंज कर रहा था, वो प्रैक्टिस में अच्छा कर रहा था. और जो आज प्रैक्टिस मतलब हम कंटिन्यू दो दिन से देख रहे हैं, वो टच मार रहा आगे, और वो शोल्डर, वो जंप, उसके पास वो स्पार्क है, तो वो आज मैच में हमें नजर आया. और जो प्लेयर प्रैक्टिस में कर रहा है वो मैच में करेगा, आज ही तो दो दिन के बाद करेगा, तो आएगा कब बैच, कोई दिक्कत नहीं. मैच काफी क्लोज था और समय अनुसार हमने अपने सेफ्टी जो प्लेयर हैं उनको यूज किया, और हमें पूर्ण विश्वास था कि हम निश्चित तौर पे जीतेंगे, लेकिन कम मार्जिन से, क्यों लास्ट तक हमारा टफ मैच रहा था. और प्लेयरों को हर समय टाइम आउट लेकर और पीछे से जाकर यही शिक्षा दी जाती है कि थोड़ा पेशेंस से खेलो. इस टाइम में अगर प्लेयर पेशेंस खो देंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ा गर्म दिमाग होता है, तो हम ठीक खेले और निश्चित तौर पे जीत लेंगे. हेलो, कंग्रेचुलेशंस. मैं संस्कृति कपटियाडा से, मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब आज तो अजिंक्य उतना शायद नहीं कर पाए, बट उन्होंने नरेंद्र को बहुत सपोर्ट किया, तो मतलब आपका क्या कहना है उनकी जोड़ी के बारे में और जैसा वो खेल रहे हैं अभी तक? अजिंक्य और नरेंद्र की जोड़ी का पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब ये इनका गेम हो और ये खेले. निश्चित तौर पर इनकी जोड़ी बहुत अच्छी चली. वास्तव में आज अजिंक्य का थोड़ा सा कम रहा, लेकिन इसकी जो जोड़ी है वो हमारे दूसरे नए प्लेयरों से भी है. जो हमारे यंगेस्ट प्लेयर हैं उन्होंने इसका पूरा साथ निभाया, और हमारे पास जो बेंच लाइन है वो भी इसकी जोड़ी है, समझो बेटर है. तो अजिंक्य का जो थोड़ा सा कम रहा उसका साथ हमारे नितिन ने दिया है, जतिन ने दिया है, अच्छा किया उन्होंने. पिछले मुकाबले में पवन कोर्ट ऑफ कोर्ट लगभग 19 मिनट थे, पिछले मुकाबले में पवन अपने और आज भी काफी समय तक ऑफ कोर्ट थे, और पिछले सीजन वो तमिल के साथ तमिलनाडु जुड़े हुए थे. कितना फायदा हुआ आप लोगों को, क्योंकि स्टडी तो रही होगी पवन के ऊपर. पवन हमारा ही था, पिछले साल था तो इस साल भी हमारा ही है पवन. बाहर रहो अंदर रहो उसमें कोई बात नहीं, एक खिलाड़ी अपनी खेल भावना से खेलता है. तो पवन के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी पूरी थी, और उस प्लान के ऊपर हम किसी हद तक सक्सेस भी रहे. तो निश्चित तौर पे जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है, विपरीत टीम उसके विरुद्ध एक स्ट्रेटेजी बनाती है, वो स्ट्रेटेजी उसकी कामयाब हो या न हो वो डिपेंड ऑन प्लेयर. तो हमारी पवन के ऊपर जो स्ट्रेटेजी थी वो लगभग मैं कामयाब मानता हूँ. नरेंद्र, आपके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आज फिर से एक सुपर टेन रहा आपके नाम, कैसे समअप करेंगे अपने परफॉर्मेंस के आज? देखिए, पिछला मैच हार गए थे तो कोच साहब ने पूरी टीम को जिम्मेदारी दी थी, और कोच साहब ने जैसे समझाया हमने वैसे खेलने की कोशिश की, और बीच में कोच साहब ने जो सब्स्टिट्यूशन किया उसने टाइम पर पॉइंट लगा के दिए, और लास्ट में थोड़ी वो डिफेंडर को प्लस वन चली गई थी, मैच हम थोड़े ज़्यादा नंबर से जीते. सागर, जैसे कोच साहब कह रहे थे कि पवन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बना हुआ था, स्टडी किया था अपनी टीम, आपको उनके साथ उनके खिलाफ खेलना कैसा लगा? वो जो टैकल था फर्स्ट, आप कहते हैं अपने बैकफुट के था पवन पे, काफ़ी खुश लग रहे थे, तो आपके लिए पर्सनली कितना सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट था ये गेम? देखो, ये गेम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि लास्ट मैच में हम हार गए थे, और हमारा पूरा फोकस अपनी जीत पे था. कोई ये नहीं था कोई सुपर टेन लगाएगा या आई पी एल लगाएगा, हमारा पूरा फोकस अपनी जीत पे था, और हम अपनी जीत को अपने मन में लेकर जीत.
एक आखिरी सवाल, अगला मुकाबला 17 तारीख को है मुंबई के खिलाफ पुणे में, कितने कॉन्फिडेंट इस जीत के बाद और उस मुकाबले को लेंगे? देखो मैं बहुत लंबा तजर्बा है और मेरे पास जो प्लेयर हैं वो कम एक्सपीरियंस के हैं और कुछ एक्सपीरियंस के हैं। मैं किसी प्लेयर पे कोई दबाव नहीं देना चाहता और मैं प्रशिक्षक को दबाव देना चाहिए। हम नए आगे वाली टीम को ज़्यादा तकड़ी मानते हैं, नए उसको कमज़ोर मानते। कोई भी टीम प्रो में कमज़ोर नहीं है। निश्चित तौर पे हम उसकी प्लान बनाएंगे, हर प्लेयर की ऊपर एक एक मोमेंट पे प्लान करके उनकी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और हम एक अच्छा गेम दिखाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।